Hello guys, welcome to Daily Tech News from MK Authority. तो आज की टेक न्यूज की शुरुआत करते हैं। कौन कौन सी न्यूज होता है भाई फ्रॉड के बारे में, तो भाई फ्रॉड कर रहा है कौन? फ्लिपकार्ट और अमेजोन। तो भाई इसका पहला इसका ऑफर्स बहुत ज्यादा बता रहे भाई। आप पहले इसका एक्चुअल प्राइस कितना है पता कीजिए और बाद में इसका ऑफर के पास क्या प्राइस है पता कीजिए और तभी लीजिए कि किसने बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर रेट्स ऑफर के बाद ज्यादा रेट बताया जा रहा है। और जो नीचे वो है भाई कुछ स्मार्टफोन जिसके नाम है एक्वा S1, क्लाउड C1, तो भाई एटेक्स स्मार्टफोन है, तो भाई ये अमेजोन एक्सक्लूसिव पर मिल रहा है। तो भाई ये एक बजट स्मार्टफोन से ये ऐप मिलेगा। एक्वा S1 का प्राइस है 4000 रुपए और क्लाउड C1 का प्राइस है 3500 रुपए। तो भाई अगर बजट बहुत ही लो बजट तो भाई ये फोन ले सकते हो आप। और जो नीचे हुआवे की तरफ से हुआवे का मेट 10 लाइट के कुछ लिंक्स निकल गया है। तो भाई कुछ दिन पहले हुआवे मेट 10 प्रो और हुआवे मेट 10 के भी लिस्ट निकल गया, तो भाई आप हुआवे मेट 10 लाइट की भी लिस्ट निकल गया है। तो भाई एज यूजुअल इसके अंदर मिलेगा 18:9 बेजल डिजाइन। तो भाई इसके अंदर मिलेगा 4 कैमरा लेंस, तो सामने तरफ आपको मिलेंगे 12 मेगापिक्सल और पीछे तरफ आपको मिलेंगे 12 मेगापिक्सल कैमरा। तो भाई आप और इसके अंदर हम बात करें एंड्रॉइड ओरियो आपको मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। और अगर हम कैमरे की बात करें तो इसके अंदर आपको मिलेगा पीछे तरफ 16 मेगापिक्सल कैमरा और 2 मेगापिक्सल कैमरा ये। और सामने की अगर हम बात करें तो इसके अंदर मिलेगा 13 मेगापिक्सल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का कैमरा। और हम बात करें इसकी बैटरी का, इसके अंदर मिलेगा 3340 mAh की बैटरी मिलेगी भाई। देखते हैं कि ये फोन चाइना में लॉन्च होता है, इंडिया में लॉन्च होता है पता नहीं है या ग्लोबली लॉन्च होगा। और जो लेंगे भाई बहुत ही वेट करने के बाद फाइनली नोकिया 8 आ रहा है इंडिया को। तो भाई लॉन्च होकर वो कई महीने हो गए पर इंडिया में नहीं आया, तो भाई अब नोकिया ला रहा है इंडिया में नोकिया 8। तो भाई HMD ग्लोबल बहुत ही देर कर दिया यार। और हम बात करें इसकी की फीचर्स, तो इसके आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 835 और 4GB 64GB की स्टोरेज मिलेगी और आपको मिलेगा GPU एडिनो का 540GB मिलेगा। हम बात करें कैमरे तो आपको मिलेगा पिक्सल डुअल लेंस, तो भाई पिक्सल का डुअल कैमरा 13 मेगापिक्सल और सामने तरफ आपको मिलेगा 30 मेगापिक्सल कैमरा। तो भाई 13 हो गए। और हम बात करिए शायद इसकी प्राइस हो सकती है 45,000 के अराउंड, तो भाई 45,000 एग्जाम नहीं होगा, देखते हैं कि ये प्राइस क्या होगा इंडिया में। और जो नहीं भाई आईफोन 8 और आईफोन प्लस के बारे में, तो भाई अगर आपको लेना है आईफोन 8 और आईफोन 8 प्लस तो भाई आपको मिल रहा है 10,000 रुपए का कैशबैक। तो भाई ये आपको कैशबैक दे रहा है, ये आपको एक्चुअल ऑफर दे रहा है जियो। तो भाई अगर आप जाकर खरीदते हैं jio.com और जियो स्टोर्स पर तो भाई आपको मिल सकता है 10,000 का कैशबैक। और आपको अगर आप लकी कस्टमर होंगे तो आपको मिलेगा 70% तक कैशबैक या बायबैक, तो भाई 70% ऑफ होने वाला है। तो भाई और आपको मिलेंगे इसके अंदर एक्चुअली इसका प्राइस आईफोन 8 प्लस की प्राइस शुरू होंगी 64,000 से और जाएंगे लगभग 73,000 तक। और जो अगली भाई सैंडिस्क कर, तो भाई मैंने कल बताया कि सैंडिस्क का डुअल ड्राइव पेन ड्राइव जो लॉन्च हो गया इंडिया में, तो भाई वो एक्चुअली सैंडिस्क का ये डुअल ड्राइव पेन ड्राइव है। तो भाई ये एक्चुअली पेन ड्राइव है एंड्रॉइड फोन्स के लिए। तो भाई इसका प्राइस शुरू होंगे 700 रुपए इंडिया में। तो भाई इसका एक्चुअल स्टोरेज के बारे में बात है तो ये होगा 16GB से शुरू होकर जाएगा 128GB तक। तो भाई सैंडिस्क अच्छा काम कर रहा है, तो भाई आपको पीछे तरफ मिलेगा ODG और सामने तरफ मिलेगा USB, तो भाई अच्छी बात है। और जो मुझे भाई गूगल तरफ से, तो भाई गूगल ने खरीद लिया है HTC। तो भाई HTC पूरा नहीं खरीदा, तो भाई HTC में कुछ डिविजन है। तो भाई पहला एक डिविजन गूगल ने खरीद लिया जिसका प्राइस है $1.7 बिलियन। तो भाई बहुत ही बड़ी रकम है। तो भाई ये जस्ट एक वन डिविजन खरीद लिया HTC का। तो भाई अब लगता है कि गूगल के पूरे इंटेंशन है कि उसे ये ताइवान की कंपनी HTC को पूरा ही पूरा खरीद लेना है। और जो नीचे वो है भाई सोनी की तरफ से, सोनी लॉन्च कर दिया अपना एक स्मार्टफोन जिसका नाम है XA1। तो भाई ये लॉन्च हो गया 24,990 में, इंडिया में लॉन्च हो चुका है आज ही। तो भाई ये आपको मिलेंगे 3 वेरिएंट से, ब्लैक ब्लू और गोल्ड। और अगर बात करें कैमरे की तो आपको पीछे तरफ आपको मिलेगा 23 मेगापिक्सल का F2.0 का अपर्चर और सामने की तरफ आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल कैमरा। और अगर बात करें इसका प्रोसेसर, इसका नाम मिल गया MediaTek का Helio P20 का प्रोसेसर। और हम स्टोरेज की बात करें, इसका आपको मिलेगा 3GB RAM 32GB की स्टोरेज मिलेगी। और अगर आपको SD कार्ड लगाना है तो भाई SD कार्ड सपोर्ट करेगा 256GB तक का। इसके अलावा मिलेगा USB Type-C। और बैटरी की बात करें, इसके अलावा मिलेगा 3400 mAh की बैटरी। और ये अलावा है वो भाई सैमसंग की रहे, तो भाई सैमसंग का एक नया ऑफर, तो भाई ये एक नेवर माइंड ऑफर कहला रहा है सैमसंग। तो भाई अगर आपका स्क्रीन फूट चुका है तो भाई आपको ये रिपेयर करेंगे सिर्फ 9999 यानी 1000 रुपए में। तो भाई आपका पूरा स्क्रीन को रिप्लेसमेंट करेंगे और आपका
स्क्रीन सिर्फ 1000 रुपए में रिप्लेस करूंगा। एक्चुअली सैमसंग के स्क्रीन बहुत ही महंगे होते हैं, बहुत ही कॉस्टली होते हैं। तो भाई ये एक नेवर माइंड ऑफर है यार, आपको चाहिए तो अगर आपका अब फोन अगर फूट चुका है तो भाई आप एक्सचेंज करा मतलब रिप्लेस करा सकते हैं। तो भाई ये ऑफर है September 21st से शुरू हो चुका है, यानी आज से शुरू हो चुका है और कल जाएगा October 21st तक। तो भाई ये सैमसंग के कुछ सीरीज स्मार्टफोन है। तो भाई ये एक्चुअली है एस सीरीज स्मार्टफोन्स, नोट सीरीज, ए सीरीज, सी सीरीज, जे सीरीज और ऑन सीरीज। तो भाई ये एक्चुअली 9000 और 9000 के ऊपर के फोन्स के लिए ये रिप्लेसमेंट है। तो भाई अगर आपको किसी का फोन फूट चुका है तो भाई आप वेट कर रहे हैं कि रिप्लेस करवाना, तो भाई ये शायद अच्छा ऑफर है, अच्छा अच्छा मौका है। और जो नहीं जो है भाई आईबॉल की तरफ से, तो भाई आईबॉल एक अच्छी कंपनी है और आईबॉल का एक स्लाइड पेनबुक आ गया है विंडोज 10 के साथ। तो भाई एक्चुअली एक टैबलेट की तरह है। तो इसके अलावा मिलेगा 2 GB की रैम मिलेगी और 32 GB की स्टोरेज मिलेगी और ये एक 2-in-1 डेस्कटॉप की तरह है जो एक लॉन्च हो गया है। तो भाई ये आपको मिलेगा अमेजोन एक्सक्लूसिवली और इसकी प्राइस है 25,000 रुपए और ये 10 इंच का फुल HD डिस्प्ले इसके अलावा मिलेगा। और अगर हम बात करें तो भाई बैटरी की, तो इसके आपको मिलेगा 6000 mAh की बैटरी है। और हम कैमरे की बात करें आपको मिलेगा फ्रंट की तरफ, फ्रंट पे ही सामने की तरफ 2 लेंसेज, यानी आपको मिलेगा 5 MP का कैमरा और 2 MP का ही कैमरा। और इसके आपको मिलेगा USB Type-C। तो भाई 25,000 में इतना कोई क्यों लेगा, पता नहीं क्यों लेगा। तो भाई इतनी थी आज की टेक न्यूज, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको पसंद आए वीडियो कंटेंट पसंद आए तो भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड बाय। He's all alone, some things will never change. The lonely loner, something breathes mine at night. At no.